खाना हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या आपको खाने का सही तरीका पता है? क्या आपको ये मालूम है कि खाने से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां हम आम तौर पर करते हैं जिनकी वजह से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी बीमारियां कई बार या मैक्सिमम मैं कहूँ तो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारा खाना पीना जो है वो सही नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको मिक्स कर कर नहीं खाना चाहिए, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि आयुर्वेद ने कुछ ऐसे चीज़ें बताई हैं जिनको विरुद्ध आहार कहा गया है, मतलब इन दो फूड कैटेगरीज को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, इन दो खाने की चीज़ों को हमें कभी भी मिलाकर नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इनकी वजह से होती हैं, और डाइजेशन अगर किसी भी चीज़ का सही तरीके से नहीं होता है तो वो हमारे शरीर में विष बन जाती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। आम विष का निर्माण होता है या आम विष बन जाता है पेट में, जिसकी वजह से कई तरीके की बीमारियां होती हैं। तो ये खाने को आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको स्वस्थ शरीर देने के लिए, आपकी उम्र को बढ़ाने के लिए। ये जो वीडियो है इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को मैं बताने लगूं, क्योंकि बहुत इलैबोरेट टॉपिक है, तो अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि बैठ के 12 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देखें। तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है तब आसानी से आप मेरी बात समझ सकें और खुद को स्वस्थ रख सकें। वीडियो अगर पसंद आ जाते हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जानकारी सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली अगर वो हेल्थ से जुड़ी हुई हो। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिन्हें हमें मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, एक साथ खाना अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि दूध के साथ आपको किन सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, या कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, या जिनको खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है उड़द की दाल, मछली, मीट, पनीर, अंडा, मूली, हरी साग सब्जियाँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनको खाने के बाद तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए, या दूध पीने के बाद इनको नहीं खाना चाहिए तुरंत, या फिर दूध के साथ इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का दूध के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगली जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दही। तो दही के साथ हमें मछली नहीं खानी है, दही के साथ हमें खट्टे फल नहीं खाने हैं। कई बार हम डेजर्ट्स बनाते हैं उसमें खट्टे फल जो है वो दही के साथ मिक्स करके उस पर शुगर वगैरह डाल के एक डेजर्ट जैसा बन जाता है, और हम उसे खाना पसंद करते हैं, बच्चों को भी कई बार देते हैं। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इसको अभी के अभी बंद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर सकती है। दूध की कोई भी प्रिपरेशन के साथ आपको खटाई नहीं लेनी चाहिए, इस वजह से खीर के साथ अगर आप खटाई का सेवन कर रहे हैं, कोई अचार वगैरह खा रहे हैं, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी चाहिए, नहीं खाना है इस तरीके से। आपको खीर के साथ खटाई को बिल्कुल भी नहीं कंबाइन करें, खीर के साथ आपको शराब नहीं लेनी है, खीर के साथ आपको कटहल नहीं खाना है। हमारे पूर्वज जो थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, सारे के सारे डॉक्टर्स थे मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन उनका जो अप्रोच था फूड को लेकर, उनका जो फूड हैबिट था वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था। आयुर्वेद कहता है और आज साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि प्रोटीन के साथ आपको स्टार्च नहीं लेना चाहिए, और हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो चावल बनता था घर में उस टाइम पर उसका माड़ निकाला जाता था, यानी कि स्टार्च निकाला जाता था, पानी को उबाल कर उबले हुए पानी में वो चावल पकाए जाते थे, पानी निकाल दिया जाता था। आज हम कुकर में चावल बनाते हैं तो स्टार्च जो है वो लॉक हो जाता है चावल के अंदर ही, और इस तरीके से जब आप दाल के साथ वो चावल खाएंगे जो आपने कुकर में बनाया है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से ख़राब करेगा और करता है, इस वजह से हम बीमार पड़ते हैं और हमें पता ही नहीं है कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हम रोज़ करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इसे अपनाएंगे, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का मसला है, और मेरा काम है कि मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताती रहूँ जो काफ़ी ज़्यादा अहम होती हैं, जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है शायद। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इस तरीके की जानकारी के साथ। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी कई पार्ट्स में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।